एक दिन की बात है जब मैं घर में चिल कर रहा था, ना कोई काम ना कोई टेंशन, रील्स देख रहा था, यूट्यूब वीडियो देख रहा था, भाई वेब सीरीज देख रहा था, एकदम चिल चल रही थी लाइफ। लेकिन लोग ना मुझे ऐसे देख के जल रहे थे, फिर उन्होंने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया, मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, भाई वीडियो कहाँ है, 8 दिन हो गए आज वीडियो डाले हुए तुझे, वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। हो गया अब तो आ गई ना वीडियो, अब क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम लोग। हो गया का क्या मतलब, कहाँ थे इतने दिनों से तुम। अरे यार वो शादी में गए थे इसलिए वीडियोस नहीं डाल रहे थे। शादी में गए थे तो मैंने तो एक भी नहीं स्टोरी तुम्हारा देखा, डांस वांस वाला। शादी वाला तुमने स्टोरी नहीं देखा क्या? अरे मैंने डांस किया था। हो गया एडिटर, ज्यादा मत दिखाओ, कुछ काम की बात कर ले। हाँ भाई शुरू करो। हाँ तो शुरू से समझाते हैं, विविड फिल्टर है क्या। विविड फिल्टर एक्चुअल में आईफोन में दिया जाता है, जिसको अगर वीडियोस फोटोज़ पे यूज़ करते हैं तो बहुत ही खतरनाक लगता है एंड लोगों को बहुत आई कैची लगता है। तो विविड फिल्टर आप अपने एंड्रॉयड में कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे अपने वीडियोज़ में आप इम्पोर्ट करोगे ताकि वीडियो आपका भी एकदम आई कैची लगे, एकदम बॉम्ब कंसेप्ट लगे। तो देखो सबसे पहले मैं शूट के बारे में बता देता हूँ। विविड फिल्टर उसी पे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप सनराइज या सनसेट के टाइम में शूट करते हो, या फिर सन लाइट आना चाहिए आपके फेस पे, ओके, तब विविड फिल्टर ज़्यादा इन्हेंस होता है एंड ज़्यादा आई कैची लगता है। अब मैं ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में नहीं बताऊँगा, जस्ट आप लोग को एक क्लिक में विविड फिल्टर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है विविड फिल्टर का, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद तुरंत हो नहीं जाएगा, रुको क्या करना है वो पूरा सुनो पहले। डाउनलोड करने के बाद इसको आप लोगों को फाइल में जाने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब एक्सट्रैक्ट जब हो जाएगा तो यहाँ उसके बाद इसको छोड़ VN एप्लीकेशन अब हम लोग को ओपन करना है। वहाँ तक हम लोग का सारा कंप्लीट था। VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम लोग वो वीडियोज़ को इम्पोर्ट करेंगे जिसमें थोड़ी सी सनलाइट वगैरह आ रही होगी। तो मैं ये वीडियो इम्पोर्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे फिल्टर वाले आइकन पे जाना है, उसके बाद प्लस वाले आइकन पे जाना है क्योंकि हम लोगों को कस्टम करना है। तो प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद, फिर प्लस वाले आइकन जो है उस पे जाने के बाद फाइल मैनेजर हम लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है विविड फिल्टर जो हम लोगों ने अभी एक्सट्रैक्ट किया था। सर्च करने के बाद इस पर टैप करना है एंड आ गया हम लोग का विविड फिल्टर। फिल्टर वाले आइकन पे जाना है। फिल्टर वाले आइकन पे जाने के बाद यहीं पे आप लोग को देखना है कि विविड फिल्टर हम लोग का गया कहाँ। हाँ तो ये दिख रहा है, विविड फिल्टर पर टैप करो एंड जस्ट एक क्लिक में हमारी वीडियोस आईफोन जैसी क्वालिटी वाली बन चुकी है। इसको आप लोग बेसिक एडजस्टमेंट भी कर सकते हो अगर आप लोग का आप लोग के वीडियो पे सही नहीं लग रहा है तो, बट हमारी वीडियोस में एकदम खतरनाक लग रहा है। तो हो गया ना। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, आप लोग एक बार चेक कर लो, सारे वीडियोस अच्छे लगेंगे तभी सब्सक्राइब करना। एंड ये वीडियो अच्छा लग गया तो इसको लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था या नहीं था। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड ये बॉम्ब कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दूसरी बात, आपने मिनी ब्लॉग का ट्यूटोरियल नहीं देखा ना, ये रहा, फटाफट देखो यार।